सभी दौड़ा रुकावट बनती है मोहब्बत के रास्ते में, और कभी कबीला और खानदान रुकावट बन जाता है, कभी आदमी का जमा किया हुआ माल रुकावट बनता है, कभी वो तजारत रुकावट बनती है जिसके कमजोर हो जाने का खतरा रहता है, कभी वो घर रुकावट बनता है जिस घर को बड़ी मोहब्बतों से बनाया हो और जिसमें हुकूमत अख्तियार किए हो, इसकी राह में रुकावट बनता है। अल्लाह की मोहब्बत के रास्ते में, रसूल की मोहब्बत के रास्ते में, राय खुदा में, जिहाद के रास्ते में, यानी ये तीन चीज़ें वो हैं कि जो मोहब्बत के लिए अल्लाह पसंद करता है और जिन रुकावटों का तस्करा पहले किया गया है उन रुकावटों को रोकना चाहता है, मना करना चाहता है कि अल्लाह से मोहब्बत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत और राय खुदा में जिहाद से मोहब्बत ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत बाप की मोहब्बत के, बेटे की मोहब्बत के, भाई की मोहब्बत के, सौजा और खानदान की मोहब्बत के, माल और तजारत की मोहब्बत के, और इसी तरह रिहायशी मकान की मोहब्बत के मुकाबले में इन मोहब्बतों को ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए, बल्कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत और राय खुदा की प्यार की मोहब्बत को तरजीह देना चाहिए। और फिर खुदा ये कहता है अगर ये आठों किस्म की मोहब्बतें, खुदा और रसूल की मोहब्बत और जिहाद राय खुदा के रास्ते में हायल हो जाए तो उस खुदा बंदे आलम के अजाब का इंतज़ार करना चाहिए जो खुदा की तरफ से आने वाला है। इसका मतलब ये है कि खुदा आगाह करना चाहता है, बताना चाहता है कि सच्ची मोहब्बत की राह में न बेटा हायल होने पाए, न बाप हायल होने पाए, न अजवाज हायल होने पाए, न भाई हायल होने पाए, न खानदान और कबीला हायल होने पाए, न तजारत और माल और न सुकूनत के मकान, इनमें से कोई चीज़ राय मोहब्बत इलाही और राय मोहब्बत पैगंबर में हायल न होने पाए, वरना मोहब्बत का ऐलान करता रहेगा लेकिन वाकई मोहब्बत उसे हासिल नहीं हो सकती। मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि नेक नेकी करने के रास्ते में जिस नेकी को मोहब्बत खुदा कहा जाता है, मोहब्बत रसूल कहा जाता है, चाहे वो वाजिब को अदा करना हो या मुस्तहब को अदा करना हो, उस रास्ते में कभी बाप हायल हो जाता है, इसे न करो, कभी बेटा हायल होता है, इस रास्ते में न चलो, कभी भाई हायल होता है, न चलो। मैं ज़्यादा तशरीह नहीं करूँगा लेकिन ये बात जहन में इंसान के महफूज रहना चाहिए कि मोहब्बत के बग़ैर ना आदमी को दीन मिलेगा, ना मोहब्बत के बग़ैर शरीयत मिलेगी, ना मोहब्बत के बग़ैर खुदा मिलेगा, ना मोहब्बत के बग़ैर रसूल मिलेंगे, ना मोहब्बत के बग़ैर अहले बैत ताहिरीन मिलेंगे। मोहब्बत हो तो ये सब के सब मिलेंगे, मगर मोहब्बत वो न हो जो बेटा जिससे रोक रहा हो, बाप जिससे रोक रहा हो, औलाद जिस
जिससे रोक रही हो अथवा जिससे रोक रही हूँ खानदान और कबीला जिससे रोक रहा हो मेरे और आपके छठे ईमान इमाम जाकर सारे सलाम ने इरशाद फरमाया। जब उनसे किसी ने पूछा कि दीन क्या है तो इमाम ने फरमाया दीन मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं, मोहब्बत ही का नाम दीन है। ये मोहब्बत अगर उसूल और कानून की शक्ल में आ जाए तो उसे हदीस और कुरान कहा जाता है। यही मोहब्बत अगर पैकरे बशरी में डल जाए तो उसे आले मोहम्मद कहा जाता है, उसे अहले बैत ताहिरीन के नाम से याद किया जाता है। और मोहब्बत जब पैकरे बशरी में आ जाती है तब कहीं जाके मोहब्बत पहचानी जाती है, बगैर पैकरे बशरी में आए मोहब्बत का पहचानना मोहब्बत की मार्फत हासिल करना मुमकिन नहीं है। दलील मैं पेश किए देता हूँ, कुदरत ने अपने को पहचानवाना चाहा था तो जब तक एक पैकरे बशर नहीं बना लिया तब तक कुदरत ने अपने को नहीं पहचानवाया। उसने कहा तुम तो कंदम मखिया, मैं तो छुपा हुआ एक खजाना था, मैंने चाहा तो रब मुझे मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, मोहब्बत हुई कि मैं पहचाना जाऊं, फसलतुल खल्क ले गए हो रब, तो मैंने मखलूक को पैदा किया ताकि मैं पहचान लिया जाऊं। इसका मतलब यह है कि खुदा भी बगैर मखलूक के नहीं पहचाना जाता, कोई मखलूक हो जो खुदा को पहचानवाए तो खुदा पहचाना जाएगा। उस पहली मखलूक को तलाश कर लीजिए जो खुदा की मार्फत का जरिया है, कितना पाकमाल वो मखलूक रहा होगा जो अपने खुदा को पहचानवा रहा होगा, अपने मालूक को पहचानवा रहा होगा। उसके कमाल की कोई हद नहीं है, उसके कमालात की कोई इंतहा नहीं है। हम और आप उसके कमाल तक पहुंच भी नहीं सकते। मैं एक लफ्ज कहता हूँ, आप आसानी से समझ लेंगे कि नाकिस आदमी कामिल को नहीं पहचान सकता। जो आदमी नाकिस होगा वो कामिल को नहीं पहचान सकता, बल्कि आदमी अपनी जिंदगी के नक्श से जिंदगी के कमाल को नहीं पहचान सकता। बच्चा है वो नहीं पहचान सकता जवानी क्या है, बच्चा है वो नहीं पहचान सकता बुढ़ापा क्या है, बच्चा है वो नहीं पहचान सकता कुवतें क्या है ताकतें क्या है। लेकिन जो साहब कमाल होता है वो नक्श को भी पहचानता है। बूढ़ा आदमी पहचानता है जवानी क्या है, वो पहचानता है बचपना क्या है, तो नाकिस कामिल को नहीं पहचान सकता। जब नाकिस कामिल को नहीं पहचान सकता तो ये कुदरत ने क्या कहा है हदीस कुदसी में, क्या ऐसी मखलूक पैदा की है जो मुझे पहचानवाने वाली है। इसका मतलब ये है कि खुदा कुल कमाल का नाम है, खालिक कमाल का नाम है, कमालात के पैदा करने वाले का नाम है, और ये जो पहचानवा रहा है खुदा को ये खालिक के कमालात का मजहर है, इसलिए खालिक को पहचानवा रहा। अगर ये मजहर ना होता तो खालिक के कमाल को नहीं पहचान सकता। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ और इसे समझने की जरूरत है, खुदा को मुकम्मल तौर पर किसी ने नहीं पहचाना। हर ये कि मेरा नबी कहता है मारफनाथ हक मारिफत, जितना मुझे पहचानना चाहिए था जो हक मारिफत था वो हक मारिफत मैं तेरे बारे में अदा नहीं कर सका। ए खुदा मैं तुझे उस तरह नहीं पहचान सका जो तेरी पहचान का हक था। यानी क्यों? इसलिए कि वो कुल कमाल है, कुल कमाल है, ये उस कमाल के मुकाबले में कम है।
पहचानने का हाथ नहीं पहचाना। अब अगर उस पुण्य कमाल ने अपने कमाल की कमाली मखलूक पैदा किया है कमाल के साथ, तो उसे भी कोई दूसरा नहीं पहचान सकता जब तक उसी कमाल का हामिल ना हो, जब तक उसी कमाल का रखने वाला ना हो तब तक कोई दूसरा उसे पहचान नहीं सकता। सलावत पढ़िए जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरूर है लेकिन ऐसी भी नहीं है कि आदमी की आवाज में ठंडक आ जाए। अब जब उसने अपने कुल कमाल का मजहर बनाया एक मखलूक को, तो वो नूर था तो जिसे बनाया वो भी नूर। अल्लाह वो नूर समावात वार, अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, नूर को नूर ही पहचानेगा, नूर को जुलमत नहीं पहचानती, नूर को अंधेरा नहीं पहचानता, नूर को रोशनी पहचानती है। रोशनी ही नूर, ही नूर की मारिफत हासिल कर सकती है। तो जिस पहली मखलूक को खुदा ने बनाया ताकि वो कमाले मुतलक की मारिफत बंदों को कराए, तो इसने कह दिया कि जो पहचानने का हक था मैं नहीं पहचान सका। जब पहचानने का हक मेरा नबी न अदा कर सका तो दूसरे बंदे भी उसके पहचानने का हक नहीं अदा कर सकते। लेकिन यह भी तय शुदा है कि अगर मारिफत का हक नबी ने अदा नहीं किया तो क्या पहचानने की जरूरत नहीं है? है जरूरत। मारिफत इलाही पहली मंजिल है उसूल दीन की, कि पहचाने तब तौहीद का इकरार करे, तब आगे बढ़े नबूवत का इकरार करे, तब आगे बढ़ के इमामत का। ये सब है कमाल की मंजिल, सारी कमालात की मंजिल है। एक कमाल जो मजहर कमाल है वो कमाल को पहचानवा रहा है। हम तौहीद इलाही नहीं पहचान सकते थे अगर उस मुवहिद ने तौहीद का तसव्वुर हमारे सामने पेश न किया होता, अगर उसने बताया न होता कि अल्लाह की वहदानियत को किस तरह माना जाता है। और ये भी बात है तौहीद इलाही पहली मंजिल है, पहली मंजिल। अल्लाह को एक मानो तो पहली मंजिल में एक ही है पहचानने वाला, एक ही है पहचानने वाला जिसको खुदा ने खल्क किया है, वो अकेला मुवाहिद अकेला। देखो बात पहुंचाती है कि नहीं, मुवाहिद अकेला आलम नूर में, आलम असल में वो मुवाहिद अकेला जब आया आलम मादा में, आलम बशरियत में, आलम इंसानियत में, तब भी वो अकेला ही था, अकेला ही था। ये है पहचानवाने वाला। अब एक झगड़ा करता किसकी गोद में पल रहा था, सबूत कर ले आप, जिसकी गोद में पल रहा था तब वो वही था कि नहीं? वैदानियत और तौहीद वाली का इकरार करने वाला था कि नहीं? मुवहिद था। तो जो पालने वाला पाल रहा है वो किसे पाल रहा है? मुवहिद को पाल रहा है ना? नहीं, लफ्ज अगर जरा गाढ़ा हो रहा है तो उसको हल्का करूं। तौहीद के मानने वाले और वैदानियत इलाही के पहचानवाने वाले को पाल रहा है ना अपनी आगोश में? परवरदिगार तुझे कोई अच्छी गोद नहीं मिली, अच्छी आगोश नहीं मिली जिसमें अपने इस पहले मुवहिद को पालने के लिए रख देता, रख देता किसी और आगोश में। पर रखा ही इसलिए है ताकि बाद की दुनिया
अगर इस पर ईमान पर कोई इल्जाम लगाए तो सोच लेना वो है जिसकी गोद में पहला हुआ ही बना था। पहला वैधानियत इलाही का प्रजन वाले वाला बना था उसकी गोद में पल रहा है। अब ये मेरा हिस्सा अलम है नूर में, नूर को नूर पहचानता है। अल्लाह ने एक मोहम्मद पैदा पैदा किया, साचा इतना अच्छा था, दाढ़ी इतनी बेहतरीन थी, जिसमें अल्लाह ने एक मोहम्मद को बनाया। कहीं से अगर किसी बंदे को ख्याल होगा कि इससे बेहतर होगा पैदा करे, इससे अच्छा किसी को बनाए, तो कुदरत ने ये दवा आवाज दी, सांचा एक ही है, इसी सांचे में बनाऊंगा, तुम देखते हैं ना अलग से बनता है कि नहीं, इसमें कोई दूसरी खसूसियत आती है या नहीं आती। सांचा जब एक होता है तो मार एक ही जैसा निकलता है, कभी अलग नहीं होता। उसमें मार डालने वाला गलती कर जाए तो बात दूसरी है, लेकिन साझा कभी गलती नहीं करेगा। तो मार को डालने वाला सांचे में बलवर देना है जिसके कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए उसने बाद मोहम्मद जिसको उस सांचे में पैदा किया वो सब पैसा मोहम्मद बनने चले गए। पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, दरमियानी भी मोहम्मद, ये तो पहचान के लिए अलग अलग नाम रखे थे, सब अपने अपने वक्त के मोहम्मद थे। और जब सब मोहम्मद है तो मोहम्मद पहचानने वाला, मोहम्मद पहचानने वाला हदीस का जुमला आपके नेतृत्व में अर्ज करूं। मेरे नबी ने कहा कोई खुदा की तस्बीह करने वाला था ही नहीं, मैं ही था जो तस्बीह कर रहा था, यानी अल्लाह को अल्लाह जानने वाला, अल्लाह की तस्बीह करने वाला, तस्बीह से इलाही करने वाला कोई न था सिवाय मेरे। मेरे जन नबी ये कहते मैं तस्बीह इलाही कर रहा था, ये मैं मोहम्मद नहीं है, ये मैं मोहम्मद नहीं है, ये मैं बाद का आने वाला नबी है। दलील सुन लीजिए ताकि बात में इस्तेमाल न पैदा होने पाए। इमाम हाकिम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम पर किताब लिखी मुस्तदरक, मुस्तदरक अलग सही है इमाम हाकिम की किताब। उन्होंने एक हदीस नकल की कि नबी से किसी ने पूछा कि मता वजबत अलैकन नबुवा, आप पर नबुवत कब वाजिब हुई, यानी आप नबी कब बने। देखो जुमला ढाया नहीं जाएगा। तो नबी ने फरमाया कुन तो नबियम वादमो बैनल मार वत्ती, मैं नबी था। तो इसी था के लिए मैंने आपको रहमत दी है, मैं नबी था जब आदम आबो मिल के दरमियान थे। इसका इस था की इंतहा बताइए, जब नबी कह रहे थे मैं नबी था, इसका मतलब आबो के आबो मिल में दरमियान में आने से पहले भी नबी थे। जब नबी थे पहले तो जो कहा मैं तस्बीह कर रहा था, ये तस्बीह मोहम्मद की जात की तस्बीह नहीं है, नबुव्वत के किरदार की तस्बीह है जो बराबर अंजाम दिया। नबुव्वत तस्बीह कर रही थी, और जब नबुव्वत ने तस्बीह की, हदीस का दूसरा जुमला, जब मैंने तस्बीह की तो मेरी तस्बीह को सुनने के बाद मेरे चाहने वालों, इत्तबा करने वालों ने तस्बीह की, सब कायना वसा
अच्छी और मेरे इत्तबा करने वालों ने तस्बीह की, और जब मलाइका ने मेरी और मेरे इत्तबा करने वालों की तस्बीह सुन ली पर सब पाए मलाइका, तब मलाइका ने तस्बीह की, यानी तस्बीह इलाही करने वाला पहला मोहम्मद, तस्बीह इलाही करने वाले मोहम्मद के बाद मोहम्मद का इत्तबा करने वाले मलाइका ने तो इनके बाद तस्बीह की है। जब बाद में तस्बीह की है तो मलक न इनसे अफजल है न उनसे अफजल है न उनसे बेहतर है, जो तस्बीह बाद में करे सुन के वो अफजल नहीं होगा, उसकी फजीलत कम है। अब बात आ रही है तो कहता हूं, जहां नक्स कम होता है नक्स होता है वो कमाल का अंदाजा नहीं लगा सकता। नबी कमाल मुतलक के मदार का नाम है, लिहाजा हमारे फते खुदा उनके पास है। अब जितने कमालात खुदा के पास उसका मदार बनाया मेरे नबी को, तो मेरा नबी भी कमाल की आला मंजिल पर। कभी कभी लोग कहते भी हैं कि जब मारिफत हो नहीं पाती तो मारिफत हासिल करने की जरूरत क्या है, तो मैं एक ही बात कहता हूं, समंदर लहरें ले रहा था, लहरें ले रहा है समंदर, आपने चाहा कि इसमें से कुछ ले ले, चुल्लू लगाया समंदर का कुछ बिगड़ा, आपके चुल्लू में पानी आ गया लेकिन समंदर का कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो जैसे लहरें ले रहा था। एक सुई डाल दी निकाला, सुई में कुछ पानी आया, हमें नाते में जरा सा आ गया होगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा ना, थोड़ा सा आया है नाते में, मगर हम कह सकते हैं ये समंदर का पानी है, नाके में जरा सा आया है, हमें हाथ में कहने का इस सुई के नाके में जो पानी है वो समंदर का है किसी और का नहीं है। तो मारिफत को वाजिब इसीलिए किया गया है कि अगर आप मुकम्मल मारिफत हासिल नहीं कर सकते हैं तो कमाल मारिफत मुहम्मदियत के समंदर में अपनी छोटी सी आदत को डाल दो, ताकि अगर सूरी के बराबर में आ जाए तो कह सको कि हमने कमाल हासिल कर लिया। बड़ी होगी जितनी ज्यादा होगी जितनी कमाल की मंजिल में होगी उतने ही ज्यादा कमाल को हासिल करेगी। दरमियान का जुमला किए देता हूं, मेरे छठे इमाम ने हदीस में इरशाद फरमाया है, जब किसी ने देखा भी थोड़ी देर में आपके दौर की सफाते आ जाएगी, मैं जल्दी जल्दी ये बात कह देता हूं, छठे इमाम ने से किसी ने सवाल किया और आप बताइए अकल क्या है, अकल क्या है, तो एक आम जुमला है जो मैं बराबर पढ़ता रहता हूं, अकल वो है जिससे रहमान की इबादत की जाती है, जिससे जन्नत खरीदी जाती है। फिर पूछ लिया साहिब ने, तो ये बताइए कि अमीर शाम के पास क्या है, अमीर शाम के पास क्या है, इमाम ने फौरन फरमाया तिलकन नौकरा वो तो धोखा है, फरेब है अकल नहीं है। नहीं अगर आप मतवजे हैं तो मैं नौकरा कह
इसका मतलब यह है कि अकल जिसको कहा जाता है वो कभी फरेब की शक्ल में होती है, कभी धोखे की शक्ल में होती है। अगर लग आप संभाल सके तो सब होगा, मैं कह देता हूं। आलिम को भी तब तक आलिम न जान लेगा जब तक बामल न हो जाए, बामल न हो जाए, वरना लिबास से आलिम के न जाने कितने धोखे बाद हो गए। जिसको हम आलिम समझ लेते हैं, मस्जिद का नमाज पढ़ाने वाला आलिम नहीं है, मिंबर पर आके बयान करने वाला आलिम नहीं है, लिबास पहनने वाला आलिम नहीं है। आलिम वो जो अपने इल्म पर अमल करे, जितना भी इल्म हासिल किया है उस पर अमल करे तो वो आलिम, और अगर अमल न करे तो उसे आलिम नहीं कहा जाएगा। ये अमीर शाम के दस्तरखान की भागी हुई मक्खी है जो हरे को पहना जा रही है। इंसान उसे समझ नहीं पाता, आज न जाने कितने फले भी हैं, कितने फले भी हैं। मिसाल दूं तो आप समझ लेंगे, मोटा जिस्म ताकत की अलामत है। जिस्म मोटा हो तो ताकत की अलामत है? नहीं। जिस्म दो तरह का होता है, एक बलगमी दूसरा कसरती। बलगमी जिस्म मोटा होता, कसरती जिस्म घटा हुआ होता। बलगमी जिस्म की पहचान यह है कि अगर उंगली रख के दबा दो तो निशान पड़ जाएगा, कसरती जिस्म पर उंगली टूट जाएगी मगर निशान नहीं पड़ेगा, निशान नहीं पड़ेगा। इसलिए कि ये जिस्म घटा हुआ है, कसरती जिस्म है, बलगमी नहीं। पर यही हाल उस आलिम का होता है जो बेअमल हो, उस आलिम का होता है जो बेअमल। बेअमल आलिम का जिस्म ऐसा ही होता है, जहां से चाहो दबा दो। धक्का चला जाएगा, निशान पड़ता चला जाएगा। और अगर आलिम बेअमल है, कसम है दबा के देखो, तब मजान जो मसाला बदल दे, क्या मजान जो शरीयत की बात को बदल दे। कसरती जिस्म है ना, तुम्हारे कहने वाली जबान टूट सकती है मगर उसके मसले का बयान नहीं कभी टूटेगा। इसलिए वो मसाला नहीं बदले। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है। आज बलगमी जिस्म वाले बड़े आलिम है, कसरती जिस्म वाला वो आलिम नहीं है, आलिम नहीं है। क्यों? इसलिए कि न मोटापा है, न तुम्हें शक्ल से जाहिर अच्छा लगता है। अबे पहलवान अपने जिस्म को मोटा नहीं बनाता, अपने जिस्म को मुसलसल दंडवत करते हुए, कसरत करते हुए मुसलसल अपने जिस्म को काबू में रखता है। ये बढ़ने न पाए, ये किसी और तरफ जाने न पाए, ना बाजू की मछलियां बढ़े, ना पैरों के दलदल बढ़े, ना पेट का बढ़ना ज्यादा हो, कुछ नहीं। एक शिरोमण जिस्म का नाम है पहलवान, बिल्कुल शिरोमण हो तो उसे कहते हैं पहलवान। पर यही हाल है आलिम का। आलिम मजहब में शिरोमण हो, शरीयत में शिरोमण हो, दीन में शिरोमण हो, हर एतबार से शिरोमण हो तो उसे आलिम कहा जाता है। और अगर कहीं से दाएं बाएं चला गया तो समझो ये आलिम नहीं है, ये या कमेटी वाला है, या ये इंतजामिया वाला है, या ये समाज वाला है, या ये मजहब वाला नहीं है। मजहब वाला वो होता है जो मजहब के सिराते मुस्तकीम पर मुसलसल काम कर रहता है। नहीं, दूसरी लफ्ज कहता हूं,
عالم عالم اپنا راستہ نہیں بدلتا, اپنا راستہ نہیں بدلتا, دوسروں کا راستہ بدل دیتا ہے. قسم ہے میرے گھر والا کے کردار کی, بڑھیا کے گھر سے گزرتے ہوئے بڑھیا نے نبی کا کردار نہیں بدلا, نبی نے بڑھیا کو مسلمان بنا دیا. دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. یہ آج ہمارے معاشرے کی بہت بڑی مصیبت ہے, جو خدا کرے گا یہاں تک نہ آئی ہو. نہ آئے تو دعا کرتا ہوں کسی شیعہ بستی میں نہ پہنچے. ایک چیز ہے جس کو پالوشن کہا جاتا. پالوشن کیا ہوتا؟ ناک کے راستے چلا گیا تو بیمار, کان کے راستے چلا گیا تو بیمار. کسی بھی جگہ سے جس میں انسانی کو لگ گیا تو بیمار. پورے ہندوستان میں کوشش مسلسل ہو رہی ہے پالوشن روکو, آلودگی کو روکو. گورنمنٹ جو کوشش کرتی ہے وہ اپنی جگہ انفرادی طور پر, یا کمیٹیاں جو کوشش کرتی ہیں وہ اپنی جگہ انفرادی طور پر. آدمی اگر پالوشن کو روکنے کا آلہ نہیں ہے تو کم سے کم اپنی ناک اپنے کان کو بند کر لیتا ہے. گاڑی سے چل رہا ہے باندھے ہوئے, بھائی کیا بات ہے گاڑی سے جا رہے تو باندھے ہو, تو پوری فضا میں پالوشن ہے, پوری فضا میں آلودگی ہے. اگر یہ کھلا رہے گا تو اس آلودگی کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا. پالوشن سے خود بھی رکتا ہے, دوسرے کو روکنے کی رہتا ہے. دیکھو لم ذرا پہنچ جاتا ہے کہ نہیں. مذہب میں بھی کچھ پالوشن ڈالنے والے لوگ ہیں, ان سے ہوشیار رہیے گا. یہ جو اخباریت ہے, یہ جو اخباریت ہے, اخباریت نہیں ہے. مذہب کے پالوشن کا نام ہے جو جگہ جگہ سے لائی جاتی ہے. اپنے مذہب کو پاک رکھنا ہے تو زبانیں بھی بند رکھو, سوراخ بھی بند رکھو, ناک بھی بند رکھو, کان بھی بند رکھو. ان پالوشن زدہ افراد کی باتیں نہ سنو. یہ اگر سنو گے تو یہ سب کیسا تمہیں بھی اسی آلودگی میں گرفتار. اچھا دیکھیے لفظ بھی کتنا اچھا ڈھونڈا ہے, اخباری. اخبار خبر کی جمع ہے, یعنی خبر والے. دیکھو بہت آسان سے آپ سمجھدار جملہ پہچان لیں گے. خبر کو حدیث بھی کہا جاتا ہے, خبر کو حدیث بھی کہا جاتا ہے. کوئی اخباری حدیث کے ساتھ نہیں ملاتا, ہمیشہ خبر کے ساتھ ملاتا ہے. میں اس سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر خبر اور حدیث ایک ہی ہے تو اس سب کے ساتھ اگر ایک ہی ہے تو آپ اپنے کو اخباری کیوں کہتے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اہل حدیث ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اہل حدیث ہیں؟ آپ کہتے ہیں اہل حدیث, ہم سب کر کے بیٹھ جائیں گے. اس لیے کہ اہل حدیث ایک جھڑکا ہے, وہ بھی کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں, تم بھی کہتے ہو ہم خبر پہ عمل کرتے ہیں, تو تمہیں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر اہل بیت نے کبھی کہا ہوتا کہ حدیث پر عمل کر لو بغیر ہم سے سمجھے ہوئے تو تم اخباری ہو جاتے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن اہل بیت نے پہلے ہی کہہ دیا ہے ہماری حدیثیں کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. میرے چھوٹے امام کا فرمان سنو, امرونا صاحبو
वही जो मलक है वो अरहब होगा, हर मलक भी नहीं उठा सकता। आप सोचते होंगे कभी कभी कि कैसे हर मलक नहीं उठा सकता। जल्दी से दरमियान में बात कह दूं, जिब्रील कहां तक लेके गए थे रसूल को? जिब्रील मेराज की रात रसूलुल्लाह को कहां तक लेके गए? एक जगह पहुंचे ना सिदरा, पहुंच के कमा नबी ने कहा चलो आगे। नहीं, ये जुमला जाया नहीं जाएगा। एक जगह पहुंच के कहा आगे चलो, तो जिब्रील ने क्या कहा? लाओ तनाव को अनमोलतन, अगर उंगली के एक और के बराबर पर जाऊं लहका को तो मैं चल जाऊंगा, अगर आगे बढ़ाओ तो मैं चल जाऊंगा। आगे बढ़ते तो जगह कौन सी थी? जहां तक थे ये मलक की जगह, उससे आगे बढ़ते नबूवत की जगह, बदलोन मोहम्मद की जगह। ये फैसला मलक का है, मोहम्मद की जगह। अगर कोई नाम है ना अदना को तय करेगा तो हारा।
मंडी गया है। जब ये जितने थे साथ छोड़ के चल दिए, तब पता नहीं मैंने ये बात कभी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, याद आ गई है तो सुना देता। सबने साथ छोड़ा, वो जो जूती पहने थे नबी उसने साथ नहीं छोड़ा, पहने रहे। एक जगह मूसा के किरदार पर अमल करते हुए नबी ने उतारना चाहा था, उधर से आवाज आई, नहीं नहीं ये कोहे दूर नहीं है, पहने हुए आइए। तो जूतियां पहने चले गए, पहने हुए कितने कई बार है मामूली जूतियां। पहले के इस जमाने में किसी शेर का जूता नहीं है, वो मेरे पैगंबर का जूता है जो कायनात की हिदायत के लिए आया। उन जूतियों को पहन के नबी वहां तक चले गए। अब मैं पूछता हूँ मेरे पैगंबर, मैं बदल के कहता हूँ हमेशा, मेरे पैगंबर आप गए तो गए, मेराज आपकी नहीं है, मेराज आपकी नहीं है, इसलिए कि पूरी कायनात आपके तोहफे में बनी है, तो फैलियों से मेराज नहीं दी जाती, तो फैलियों से बुलंदी नहीं दी जाती, फिर किसकी मेराज। उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं नबी को नहीं ले गया, बक्ते को ले गया, असरार के ही अपने बंदे को ले गया, तो मेराज बंदगी की है ना। जब मेराज बंदगी की है तो जहां बंदगी होगी वहां मेराज का तसव्वुर जरूर रहेगा। बंदगी आज का हो तो मेरा, बंदगी फर्ज का हो तो मेरा, उधर पलंग हो तो मेरा मिलेगी, इधर झुकता जला जा रहे तो मेरा मिलेगी। सजदे में पेशानी रख दिया, उधर से आवाज रसूल आई, अस्सलामु मेरा मोमिन। नमाज मोमिन की मेरा है, मोमिन की मेरा है, सब तो पहुंच गए। मोहम्मद की जगह कोई मोहम्मद ही आएगा, कोई दूसरा नहीं आ सकता। कुदरत ने भी एक दफा पूरी दुनिया को खंगाल दिया, उसी आलम बशरियत को खंगाल दिया, खंगाल के तबर देखा और कोई हाथ हो जाए ताकि मोहरे सुकून टूट जाए, खामोशी की जो मोहर लगी है वो टूट जाएगा। ये भी चुप वो भी चुप, इधर बंदा है चुप, उधर खुदा है चुप, वो बोल दे तो खुदा ना रह जाएगा, ये बोल दे तो रसूल ना रह जाएगा। लिहाजा में ये बोल रहा है न वो बोल रहा है, कुदरत भी ढूंढ रही है कोई बीच में आ रहा है, दरमियान में कोई आ रहा है जो इसका भी शनासा हो मेरा भी शनासा। ये भी उसे पहचानता हूं, मैं भी उसे पहचानता हूं। अगर ऐसा कोई ढूंढा, जगह जगह की जमाने देख ली, गड़ियों की जबान, चरवाहों की जबान, वादिया नशीनों की जबान, जंगलों में रहने वालों की जबान, सहराओं में जिंदगी बसर करने वालों इनकी जबान नहीं, जबान ऐसी हो जो मोहम्मद को भी अच्छी लगे, खुदा को भी अच्छी लगे। तो एक ऐसी जबान होगी जिसे नबी भी पसंद करता था, खुदा भी पसंद करता था, बीच में आ गया। अब जब बीच में आ गया, लगने पड़ो जिब्रील ने जहां छोड़ा आगे नहीं बढ़े, मकाम मोहम्मदियत में आने वाला चल जाता है, आगे बढ़े।
कागज पर लकीर खींचिए, जब लकीर खींचिएगा तो उसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा इधर वाले कागज से मिला हुआ, दूसरा हिस्सा उधर वाले कागज से मिला हुआ, बीच में है ना लकीर, जाहिरन बड़ी बारीक है मगर नजिया कीजिए तो पता चलेगा, इधर भी एक हिस्सा मिला है उधर भी एक हिस्सा मिला है, ये जो आवाज दरमियान में आ गई इस आवाज में खत है का ऐसी लकीर है बीच में कि वो इधर से भी नहीं आए, वो इधर से भी नहीं आए, अबे जो खुदा वाला हो जिसके दिल का इम्तिहान खुदा ने ले लिया।
तो वो मोमिन हमारी हदीसों का मुतअम्मिल होगा। मलक मुकर्रम मुतअम्मिल, नबी मुरसल मुतअम्मिल। मोमिन जिसके दिल का इम्तिहान हो वो मुतअम्मिल। अब मैं ये पूछता हूं कि जितने अखबारी हैं, जितने अखबारी हैं, इनमें मलक मुकर्रम कौन है, इनमें नबी मुरसल कौन है, इनमें कौन मोमिन है जिसके दिल का खुदा ने इम्तिहान लिया हो? अगर नहीं है कोई ऐसा तो हमें छोड़ दो, ऐसे मजहब की तबलीग क्यों करते हो जो न नबी की तरफ से आया, न रसूल की तरफ से आया, न इमाम ताहिरीन की तरफ से आया। अरे चंद छोटी छोटी किताबों को रख के हदीसों को समझने का दावा करने वालों, तुम्हारा शुमार उनका हो ऐसा है जो बांग्ला में पैदा करने है। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। गए रोजे का दावा किया तालिब दीन, गए दो चार महीने रहे चश्मा है मुश्तरी, गए चंद दिनों रहे साल भर के मुश्तरी, गए कुछ दिनों रहे दो साल के मुश्तरी, गए कुछ दिनों रहे चार साल के मुश्तरी, सब मुश्तरी। और हमारी मुसीबत यह है कि हमारे यहां सब होते तो इस्लाम सबके साथ और होते तो इस्लाम से आगे बढ़ गए तो लखनऊ वाले बताना में खुद आए दुनिया। कितने आए तो लावन गए सब आदमिया हो गए, शहीद भी हो गए, होते तो इस्लाम भी हो गए, आए दुनिया भी हो गए। जानते कितना है इल्म, कितना है इल्म है तो अमल कितना है, इसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। इस नेता के पीछे, उस लीडर के पीछे, उसकी जूतियां सही कर रहे हैं, उससे मुलाकातें कर रहे हैं, उससे गले मिल रहे हैं, घर में आते हैं तो कहते हैं काफिर, घर में आते हैं तो कहते हैं काफिर, मुलाकात करते हैं तो सीने से सीना मिला लेते हैं, हमें कैसा काफिर है। मेरी समझ में एक ही बात आती है, तुम भी जाहिर में लिबास के मुसलमान हो, दिल से तुम भी इसी काफिर जैसे हो। इसलिए के फारसी वाले में बहुत पहले कहा कुनत हम दिल वा हम दिल परवा, कबूतर वा कबूतर बाज वा बाज, हम दिल के साथ उड़ता है, कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है, बास बास के साथ उड़ता है। ये इतना ढोंग, ये इतना हिरदा सराइया, ये इतनी सारी बातें, और फिर मरकज का मरकज न कहूं अगर याद रह जाए तो ध्यान में रखिएगा, मरकज उसे नहीं कहा जाता है जहां लिबास पहनने वालों का ढेर लग जाए, मरकज उसे नहीं कहा जाता है, मरकज उसे कहा जाता है जाहिल ने अपना घेरा डाल दिया हो, उसे मरकज कहा जाता है। न शाही मरकज है, न बादशाही मरकज है, न दौलत मरकज है, न इकतदार मरकज है, न हाथ का जमा होना मरकज है, न लश्कर का होना मरकज है, अकेला मेरा अली, अकेला मेरा मौला मरकज के लिए डुगडुगी की आवाज सुनेंगे तो लोग आ जाएंगे,
अखबारी यही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। बजाओ टुकड़ी, ये बेचारा मातम वाला आएगा, ये धनी वाला आएगा, ये नाजिए वाला आएगा, ये नौहे वाला आएगा, ये अंजुमन वाला आएगा, ये मजलिस करने वाला आएगा, ये मजलिस में शरीक होने वाला आएगा, ये सब के सब आ जाएंगे। तमाशा को बाद में दिखाता है, पहले गुंडोगी बजाता है आ जाओ, बाद में हम तमाशा दिखाएंगे। आ गए आज तमाशा दिखाएगा, जब तमाशा दिखाएगा तो क्या करता है? अगर आपने कभी देखा हो तो आपको अंदाजा होगा। एक किसी बच्चे को मैंने देखा है, मैं बता रहा हूं, एक सलवार पढ़िए मोहम्मद और आगे एक किसी बच्चे को एक चाबी के अंदर बंद कर देता है। बंद करने के बाद कुछ देर के बाद कहता है, देखो ये उसका सर, मैंने काट लिया, ये उसका हाथ है, पता चल दी, ये उसका पैर है। तो सारा बच्चा देखता है, वाकई है उसी का सर, वाकई है उसी का पैर है, उसी के जिस्म के आता है, ठीक है, खुश है। बड़ा काम अजीब इंसान मालूम होता है। और एक बार फिर वो झाड़ी उठाता है, फिर वही बच्चा अपने तमाम माता और जवाने समेत दिखाई देता है। हमें सर कट गया था तो मरा क्यों नहीं, हाथ कटा था तो जिंदा क्यों नहीं गया, खून क्यों नहीं बहा? ये सारी मंजिलें देखता है और उसके बाद कहता है भाई जादूगर, जादूगर। आज तक किसी ने ये न कहा कि मौजूदे वाला है, किसी एक ने न कहा कि अरे बड़ा मौजूदे वाला है, सब यही कहते जादूगर, जादूगर। मजहब को जादूगरों की जरूरत नहीं है, मजहब को मौजूद नवा की जरूरत है। मौजूदा दिखाने वाले की मजहब को जरूरत है, जादूगरों की जरूरत नहीं है। जहां रोका था इमाम ने क्या फरमाया था, पूछा गया अकल क्या है? ये अपने नौजवानों से कहता हूँ जो अंजुमने बनाते हैं, अंजुमने चलाते हैं, जीवनों को गाइड करते हैं, या मजलिस करने वाले या मुमिनी, सबके लिए ये बात करता हूँ। राम ने फरमाया, लम्मा खलक अल्लाहुल अक्ल, जब अल्लाह ने अक्ल को पैदा किया, فقال له اقبل فاقبل, उस अकल से कहा कि आगे बढ़ो, तो अकल आगे बढ़ गई। ثم قال له اقبل فاقبل, फिर उसी अकल से कहा कि पीछे हटो, तो पीछे आ गया। नहीं नहीं, गौर नहीं किया ना आपने, अकल का काम हुक्म खुदा पर आगे बढ़ना, हुक्म खुदा पर पीछे आ जाना, और मैं आसान करूं, हुक्म नबी पर आगे बढ़ना, हुक्म नबी पर पीछे आना, हुक्म इमाम पर आगे बढ़ना, हुक्म इमाम पर पीछे आना। दलील में दिए ले जाओ, हुक्म पाया था मालिक के लश्कर ने, गंजे शफीर ने इमाम का, तो आगे बढ़ के चले जा रहे थे। अभी ये शाम के खैमे के करीब जैसे ही पहुंचे, पर एक वार करना था, इधर से उठने का पौधा मालिक वापस उठी हुई तलवार मालिक ने नया में रख ली, वापस आ गए। ये आखिर वापस आए, बड़ा ने पूछा कहां तक पहुंचे? देखिए शरियत की दाद दी है मेरे मौलाना ने, इसलिए नहीं पूछा कि कोई सरजनिश करना है या कोई बात कहना। बड़ा ने पूछा कहां तक पहुंचे? बस अब ये शाम के खेमे तक पहुंच गया, एक ही वार तो बाकी था। कसम खुदा की हम
तो दुश्मन का खात्मा कर ही के लौटते, चाहे ईमान का हुक्म होता, मगर आकल का तकाजा है हुक्म ईमान का आगे बढ़ो, हुक्म ईमान पर पीछे आ जाओ। मेरे नौजवानों, अंजुमन वालों, दस्ते वालों, जुलूस वालों, जलसे वालों, मजलिसे करने वालों, तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जहाँ खतरे पसार हो अगर पीछे आ जाओ तो आ जाओ। अगर आप है तो पीछे आने में कोई खौफ नहीं होना चाहिए, आओ। पीछे आना अलामत शिकस्त नहीं है, पीछे आना अलामत शिकस्त नहीं है, पीछे आओ मगर हुक्म ईमान के दायरे में, हुक्म रसूल के दायरे में, हुक्म खुदा के दायरे में। यहां तो मसला ये पैदा होता है, हम यहां पढ़ते थे नौहा, एक कदम पीछे ये नहीं हो, हमारी अंजुमन यहां पढ़ती थी पीछे नहीं आई। ये तो आ जाओ, कौन कह रहा है पीछे आने के लिए? ईमान कह रहे हैं ना, आगे बढ़ोगे तो फसाद, पीछे आ जाओ तो फसाद खत्म। ईमान के मानने वाले का फरीजा है फसाद को खत्म करना, फसाद को बढ़ाना फरीजा नहीं है। फसाद रोक दे तो ईमान का चाहने पर। तेरे ईमान से पूछा कि मौलाना ये बताइए जहल किसे कहते हैं? देखिए अजीबो गरीब बात है, अकल का मुकाबला जहल से है, इल्म का मुकाबला जहल से नहीं है। हदीस है मासूम में, अकल का मुकाबला जहल से है, इल्म का मुकाबला जहल से नहीं है, इल्म का मुकाबला माल से। जनाबे उमैर से मौलाना क्या कहा था, इल्म बेहतर है या माल? अलग अलग बातें नहीं, इसका मतलब ये कि इल्म के मुकाबले में माल नहीं। अभी आपको मजा आ जाएगा, जब माल बढ़ता चला जाता है तो इल्म हमेशा धोखे दे देता है। मैंने अभी नहीं आपने महसूस किया, मैं कह देता हूं, गरीब से इल्म वाला सीना फुला के बातें करता है, अमीर गर्दन झुकाए हुजूर उससे कह रहा था तुम कौन, माल वाले से कहता हुजूर ये कहना बताता है इल्म झुकता जा रहा माल बढ़ता जा रहा। ईमान ने फरमाया अगर माल है तुम्हारे पास, इख्तदार है तुम्हारे पास, दौलत है तुम्हारे पास, तो किसी गरीब को गरीब न समझो, किसी बेमाल को बेमाल न समझो। मेरे ईमान के सहाबी जिन्हें अब्बासी बादशाह के दरबार में बहुत बड़ा मनसब हासिल था, वो मनसब मैं कहता हूं वली अहद नहीं कहता कभी, इसलिए कि वली अहद मुकम्मल इख्तियारात का नाम। मनसब बादशाह ने दिया, एक दिन ये थे तो बड़े दीदार, इसलिए कि उन्होंने पहले ही कहा था कि जहां मैं रहूंगा मेरे दरवाजे का पर्दा न लगाया जाए, कोई हाकिम ना हो, कोई रोकने वाला ना हो, कोई निगरान ना हो, पता नहीं कब किसको मसले की जरूरत पड़ जाए, तो कोई रोकने वाला रोके नहीं, ये ईमान का चाहने वाला है। एक दफा ऐसा हुआ कि किसी गरीब ने आके सवाल किया, मैं मुलाकात करना चाहता हूं, मुलाकात नहीं हो सकी। अब ये मैं नहीं कहता हूं कि ईमान ने मना किया, ईमान के जानशीन ने मना किया या ईमान के सहाबी ने, नहीं मना कर दिया, नहीं फिर उसी साल वो ईमान का सहाबी हज के लिए आया,
और हज करने के बाद इमाम से मिलने के लिए मदीने आया, इसलिए कि हाजी की हाजी मुकम्मल नहीं होता जब तक मदीने मनोवरा की ज्यारतें न कर ले। आया मिलने के लिए, इमाम का कयाम जहां था पहुंचा, पहुंच के ख्वाहिश की मैं इमाम से मिलना चाहता हूं। दरबार में जाके इमाम से कहा फला शख्स आया आपसे मिलना चाहता है। इमाम ने फरमाया मुलाकात नहीं हो सकती, मुलाकात नहीं हो सकती। खड़ा रहा, दोबारा कहलवाया था नहीं हो सकती, तीसरी बार कहलवाया था नहीं हो सकती। इमाम का इतना अजीम सहाबी है और इमाम कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो सकती, क्यों? इसरार करके इमाम से पूछा हुजूर मुझसे क्या गलती हुई जो आप कह रहे हैं मुलाकात नहीं हो सकती। तो हमने कहा अब पूछा है बताई देता हूं। फरमाया इमाम ने तुम्हारे दरवाजे पर वो गरीब आया था, तुमने मुलाकात नहीं की। याद आ गया कहा नहीं की मुलाकात, मैं तब तक तुमसे मुलाकात नहीं कर सकता जब तक तुम उससे अपने को माफ न करा लो। अब होना मैं तो हज के लिए आया हूं, मदीने मुनव्वरा में हूं, वो बगदाद में रहता है, मैं कैसे जाऊं? क्या सवारी का इंतजाम करना मेरा काम है, वो मैं कर दूंगा, लेकिन माफी तरफ करना ये तुम्हारा काम है। क्या मौरा पहुंचूंगा कैसे? क्या जाने आने दोनों का इंतजाम करूंगा। इमाम ने सवारी का इंतजाम किया, क्या इसका बैठ हो जाओ, बैठा मिनटों में पहुंच गया। मैंने मैं रोक के बैठा, इमाम ने सवारी दी और गिरिएगा, इमाम ने सवारी दी तो मीरों की मसाफत मिनटों में तय हो गई। अरे इमाम की दी हुई सवारी में इतनी ताकत है कि दूर की मसाफत मिनटों में तय हो जाए तो जिस खुदा ने कुरान भेजा होगा उस खुदा की भेजी हुई सवारी चला गया, उसके दरवाजे पर पहुंचा, नकुल बात किया, निकला कहूर आप मैं तुमसे माफी मांगने आया, अब मेरी क्या मजा रह जो मैं आपके लिए ये बात कहूं। क्या नहीं, वही लेट गए साहबी है इमाम का, उसके दरवाजे पर लेट गए, क्या तुम अपने कदमों से मेरे सर को इतना कुचल दो कि बाद में किसी मनसब का तकब्बुर जहन में पैदा ना हो पाए, कहीं से तकब्बुर का जज्बा पैदा ना होने पाए। क्या ये मैं कैसे कर सकता हूं? अब मैं कह रहा हूं तुम्हें करना पड़ेगा। क्या आप ये क्यों कहें? ये तो फैसला सुनो, इमाम का साहबी कहता है मैंने तुमसे मुलाकात नहीं की तो मेरे इमाम ने मुझसे मुलाकात नहीं की, तो अपने पैरों से मेरा सर गुजर दो ताकि मैं इमाम से मुलाकात कर सकूं। सवारी का इंतजाम मान इमाम ने किया, ले गया, उसके इशरार पर उस गरीब ने अपना सर उसको अपना पैर उसके सर पर रखा, उठे सवारी मौजूद, सवार हुए वापस आ गए। जब वापस आ गए दरवाजा काम का घटघट आया, इमाम ने खुद दरवाजा खोला, आओ। गए थे वापस आ गए, कहां गया भी वापस भी आ गया। अरे कितनी जल्दी गए होंगे, कितनी जल्दी वापस आए होंगे, ये तो मसला इतनी आसानी से तय हो गया
कि अगर नबी की मेराज इतनी जल्दी हो गई कि गए और चले आए, बिस्तर का बढ़ा, वजू का पानी बहता रहा, जंजीरें डर हिलती रही, तो ये ईमान का सहाबी उतने ईमान से गया और वापस आ गया। ईमान ने सीने से लगा के कहा, तुम मेरे सच्चे सहाबी हो। इसका मतलब ये है कि किसी गरीब को गरीब समझने वाला जो बात रह गई है वहां तेरे कलाम। पूछा इमाम से, ये बताइए जाहिल किसे कहते हैं? इमाम ने फरमाया, लम्मा खलक अल्लाह अल जहल, अल्लाह ने जब जहालत को पैदा किया, काल रहू अपने बाप वाला, तो उससे कहा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ गई। सोमा काल रहू अदबिर का पीछे आओ, पीछे नहीं आए, पीछे नहीं आए, आगे बढ़ गए तो बढ़ गए, पीछे नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि जाहिल असल में वही है कि हुक्मे खुदा का पीछे ना आए, हुक्मे रसूल का पीछे ना आए, हुक्मे इमाम का पीछे नाए। आगे आगे बढ़ना भी जानता है, पीछे आना भी जानता है, जाहिल आगे बढ़ना जानता है, पीछे आना नहीं जानता। इसलिए आदमी को बिल्कुल मुतवज्जे रहना चाहिए। मैंने इतनी बातें आपके खिदमत में बहुत दिल मजबूत करके कह दिया है। अगरचे लोग सोचते होंगे कि आखिर क्या बात है, फजीलत का कोई गोशा सुनाया नहीं है। नहीं, मैं सुनाता ही रहता हूँ, मगर आज हालात में इतनी अत्तरी पैदा हो गई है कि इस जमाने के मसाइब में एक मुसीबत वो अफराद भी हैं जो सिर्फ लिबास और अफा में हैं मगर इल्म नहीं। इल्म हो, इल्म की पहली अलामत है अल इल्म माल इल्म। इल्म सब के साथ होता है, इल्म बर्दाश्त के साथ होता है। 10,000 बार अगर आलिम से मसला पूछा जाए तो ये बेसब्री का मुजाहरा न करे, ये अपने इल्म का मुजाहरा करे। जहां मसला ये दो बार पूछ लिया, जितने हाशिए होते हैं, जितने आगे पीछे चलने वाले होते हैं, वो हमें जाओ एक बार बता दिया, दोबारा फिर पूछ लिया, तीसरी बार फिर पूछ लिया। अरे आलिम होगा तो वो खुद अपने हाशियों से कहेगा, तुम्हें हक नहीं है रोकने का, पूछता है तो मुझसे पूछता है। मेरे अंदर अगर इल्म होगा तो मैं इल्म का मुताबिक होगा, और अगर इल्म नहीं है तो मैं इल्म का मुताबिक नहीं हो सकता। वो धोखा होता है, वो फरेब होता है जो इल्म की शक्ल में दुनिया के सामने दिखाई देता है। तो धोखे से बचते रहिएगा, फरेब से बचते रहिएगा, और फिर बड़ी बड़ी ताबीलें भी होती हैं। क्या करें, हर बार आता है पूछने, बार बार आता है पूछने, तो मौला की बारगाह में भी बार बार जा रहे थे पूछने। मौला ने तो कभी ना कहा कि ना, याद आ गई है बात तो कह देता हूं। इमाम ने क्या कहा था, तो ये फजीलत का गोशा सुन लो, इमाम ने क्या फरमाया था, सलूनी कबल अन तस्तजूनी, पूछ लो मुझसे इससे पहले कि मैं दुनिया से चला जाऊं, तुम्हारे दरमियान न रहूं, पूछ लो। पर तो दिया जाता है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, मौका नहीं है वरना मैं सुना देता सारी मंजिल।
मंजिल है। इमाम ने अपनी जिंदगी में 14 बार दावे सलूनी किया है, 14 बार दावे सलूनी किया है, और हर दावे सलूनी पर 50-50 पूछने वालों को जवाब दिया है। हम तो खाली यही सुनते हैं, आ गए जिब्रील अमीन, और आगे उन्होंने पूछ लिया बताओ जिब्रील कहाँ है। ये तो बड़ी मशहूर बात है जो बराबर पढ़ी जाती है, किताब की गहराई में उतरना कोई जानते ही नहीं है, और किताब की गहराई में जाना चाहते ही नहीं है। जो केसिट में आ गई बात सुनाए जा रहे हैं, जो सामने बयान हो रहा है उसी को बयान किए जा रहे हैं। अबे आलिम वो नहीं होता है जो केसिट की बातें पढ़ता है, आलिम वो नहीं होता है जो दूसरों की जबान से सुनता है। मेरे उस्ताद मोहतरम हमेशा कहा करते थे, सरकार हमेशा ये कहा करते थे, कोई कितना ही बड़ा आलम बन के कोई बात पढ़े, उसके पढ़ने पर एतबार न करना, अपने किताब पे देखने पर एतबार करना। अगर किताब में है तो पढ़ो, नहीं है तो उस पर भरोसा करके न पढ़ो कि उसने फला आलम ने पढ़ दिया, फला आलम कितना ही बड़ा हो जाए मासूम नहीं होता, मासूम नहीं होता है। सही कहा, 50-60 बरस मराजे कुरान हदीस सीरत मासूमीन का बराबर मुतालिया करते रहते हैं, तब कोई एक मसला बयान करते हैं कि ये हलाल है ये हराम, लेकिन जब बयान कर लेते हैं तब भी नीचे लिखते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह ही ज्यादा जानने वाला है। यानी हमने अपनी कोशिश भर मसले को निकालने की कोशिश की है, लेकिन एक लम्ब है वो साहिबाने इल्म भी है, आप जरा कह देता हूं। मराजे और मुस्तहदीन के लिए कहा जाता है और लिखा जाता है किताबों में कि वो इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल का असल मादा है नब, नून पे कोई नब है इसका असली मादा। नब अरब लोगों की लुगत और अरबों की जबान में नब इसे कहा जाता है कि सहरा में चलता रहे, प्यास लगे तो रेत को कोरेता चला जाए, इतनी देर तक कोरेदे कि जहां नमी मिल जाए, नमी मिले तो एहसास होगा कि पानी यहां होगा। इस्तेमाल करने वाला मुस्तहिद कुरान के आयतों को कोरेता रहता है, अभी से पैगंबर को कोरेता रहता है, इतने देर तक कोरेता है कि जहां से हुक्म खुदा निकाल सके, हुक्म खुदा तलाश कर सके, और मराजे के खिलाफ ये 4 साल ये मराने के खिलाफ आते करके हमें अपनी औकात को पहचानो, मिंबर पर जाना आलिम होने की दलील नहीं है, इल्म हासिल करना आलिम होने की दलील। ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया, तुम पहचानो कैसे कह दिया, तुम्हें क्या पता कैसे कह, कुरान पढ़ा है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूं, चंद अफराद के अलावा इस्तेसना हर कानून में होता है, चंद अफराद के अलावा आप कितने मजलियत के खिलाफ ढंडोरा पीटने वाले हैं, ये सब के सब वो है जिनको अगर उर्दू फारसी अरबी का सही इमला बोल दिया जाए तो ये नहीं लिख सकते, सही इमला नहीं लिख सकते, मगर मजलियत के खिलाफ बातें करते हैं। तुमने समझाई नहीं है मर्दियत को अमरीका ने समझा है, मर्दियत को रूस ने समझा है, मर्दियत को बड़ी ताकतों ने समझा है, मर्दियत को सुप्रीम
مرضیت کے خلاف, اس لیے مجتہدین کے خلاف تمہاری زبانیں کھلتی. کیا دم ہے تمہاری زبان میں تو مرضیت کے خلاف بول سکو؟ ارے جس کی ایک زبان پر ہزاروں کی تعداد میں علماء نکل آئے ہوں, جس کا مشاہدہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کیا ہے کہ آقائے سیستانی نے جب حکم جہاد دیا تھا داعش والوں کے خلاف, پہلے ہی کہا تھا جہاد ضروری ہے, اتنا کہا تو چاروں جانب سے لوگ اماموں نے تلواریں لیے ہوئے اسلحے لیے ہوئے نکل آئے. نجف کی کسی گلی میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, کہیں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی ایک آواز پر, اور سب اس کے منتظر ہیں تو ہم ابھی نکل پڑے, ہمیں ابھی نکل پڑے. یہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے, نہ جانے کتنا عرفان ہے, نہ جانے خدا سے قربت کتنی ہے, نہ جانے بارگاہ ہے خدا میں کتنا مقرب ہوتا ہے. ملتا آواز دے تو سب نکل پڑے, قسم خدا کی کوئی تشبیہ نہیں ہے مگر بلا تشبیہ یہ بات کہتا, ایک سور بھونکنے بار مزید مزہ کہنا, ایک بار سور بھونک دے تو قبروں سے مردے نکل آئے, قبروں سے مردے نکل آئے. کیوں؟ کب وقت آ گیا حساب و کتاب کا, اتنی طاقت کیسے ملک میں آئی؟ جو قریبی ملک ہے رہ جائے گی, نہ حکومت رہ جائے گی, اللہ اس
जगहों में बना, कुछ यहां भी आएगा। यहां से मरा जलालपुर नहीं है, यहां से मरा हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में भी आया। और आया तो इसके लिए अपराध मुंतखब किए गए, किसको 1 लाख दिया जाए, किसको 2 लाख दिया जाए, किसको 10, जिसकी जितनी पकड़ थी उसी एतबार से उसे मिल गया। और जब मिल गया तो जैसे कुत्ता खाने से पहले भौंकता है, ऐसे ही ये भी भौंक रहे थे। मैंने जमाने बंद कर दी नहीं, टाइगर खिला दो, बोल न पाए, मुंह बंद हो जाए, लुकमा दे दिया, रीता ने बंद हो गया टाइम, आप नहीं बोले। जब बंद हो गया निकल गए तब बोलने लगे, निकल लिया लुकमे को तब बोलने लगे। जब ये लुकमा नीचे चला गया निकल गए, आप वो नहीं बोलेंगे तो मजाक कह रहा है, अब वो बोलेंगे तो उनका मालिक कह रहा है, जिनसे डॉलर मिलेगा, जिनसे बॉन्ड मिलेगा, जिससे दुनिया के मारो जर मिलेंगे। मैं जरूर कहता हूँ अजीजो, हमेशा याद रखने के काबिल है। आपने कभी, मैं तो कभी ज्यादा फेसबुक नहीं देखता हूँ, मगर मोबाइल आप देखते होंगे। तो एक वक्त वो आया था कि इसी मोबाइल पर एक साहबे अमामा, ये आपने सबने देखा होगा, मैं आपको मिम्बर से नहीं कहूंगा, वो हरकतें कर रहा था जो कोई मुसलमान नहीं कर सकता। लिबास उलमा का, हरकतें शैतान की, काम शैतान के, ये काहे के लिए, ये उधर से आया, उधर से आया, पर माल वहां से मिलता है तो हरकतें भी उन्हीं की होना चाहिए। मगर दुनिया में पहचाना रही है कि शैतान अगर कहीं आजीज आया है तो सिर्फ बड़े अहले बैत पर आजीज आया, कहीं और आजीज नहीं आया। यहां कामयाब नहीं हो सकता, नहीं पहुंच सकता। और जब देख लेता है अहले बैत की किसी अजीम फर्द को तो डरता भी है। एक ही बात तो सब लगी थी, बार बार नहीं, वो शासन अभी तक है। दौरे पैगंबर में ज़र्बे अली का असर पुश्ते इब्लीसियत पर अभी तक मौजूद है। आया है दफन नबी की बार का बैठा रहा, जब तक सहाबियत बैठी रही, तो रखना दी दो, जब तक सहाबियत बैठी रही ये भी ठाक से बैठा रहा। मगर जैसे ही अली आए पहलू बदलने लगा, कभी दाएं कभी बाएं, नबी ने देखा भाई पहलू क्यों बदलने बैठे थे इतनी देर से, और फिर करीब में बैठने वालों ने पूछा भाई क्या हुआ, ए, वो आ गया। मैं कौन आ गया, कब वो आ गए, अरे कौन आ रहा है बताओ तो, कब वो आ रहा है जिसने एक जर्ब लगाई थी तो अभी तक असर बाकी है। अली की एक जर्ब का असर इतना गहरा हो गया कि शैतान को संसार परेशान है, जर्ब का असर नहीं आता। मोमिनों मुसलमानों साहिबान ईमान सहाबियत को कामिल को नहीं पहचान सकता, जो नाफिस है वो कामिल को नहीं पहचानेगा। बंदे नाफिस हैं मेरे नबी को नहीं पहचाने, और अंबिया फजाइल और कमालात में कमतर हैं तो आखिरी नबी को नहीं पहचाने। तो खातिमुल मुरसलीन भी सारे अंबिया की निगाह में पहचाना हुआ नहीं था।
अलबत्ता बकदरे जर हर एक में मारिफत हासिल, जितना जिसका जर था उसने मारिफत हासिल की। कुछ मारिफत हासिल करने वालों ने पहले मारिफत हासिल कर ली तो ईमान के दर्जा बुलंद होते चले गए, कुछ ने आखिर हयात में मारिफत हासिल की तो उनका दर्जा बुलंद हो गया। मगर मारिफत का ताल्लुक आदमी की अकल और आदमी के दिल से है, दिल में जितना खलूस होगा मारिफत की मंजिल उतनी ही बुलंद होगी। तारीख पढ़िएगा मौला के चाहने वालों की, तब आपको अंदाजा होगा कि वो एक मौला का चाहने वाला जो आखिर वक्त में आया सुबह आशू उसे इमाम ने सीने से लगाया, सीने से लगा के ये जुमला कहा, इतना अच्छा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा। जो दुनिया में आजाद है आखिरत में नेक बख्त, और उसी को मौला ने बहुत बड़ी फजीलत अदा की। शहजादी के हाथों का बना हुआ रुमाल उसी आखिर में आने वाले के पेशानी के जख्म पर जब खून नहीं रुक रहा था बड़े मौला ने मांग की, और आज तक वो रुमाल रुमाले जहरा आज तक बना हुआ है, सारे शहीदों से अलग हुर की कब्र बनी है। सबकी ज़ियारत करो तो हुर की ज़ियारत के लिए दूर तक जाना पड़ता है, जितना जाओगे उतने ही हुर के मरतबे का अंदाजा होता चला जाएगा। हद ये के इमाम ने अपने बहुत से अजीजों को भी अपने करीब दफन कर दिया, लेकिन हुर का लौटा अब चाहे हो के कबीले वाले ले गए हो, मगर जब ये रिवायत में पढ़ता हूँ तो एक दफा दिल बेचैन हो जाता है कि कबीले हो आया और उसने अपने कबीले के सरदार की लाश को करबला की जमीन पर देखा तो देख के जब कहा है हमारे कबीले का सरदार इस तरह करबला की जमीन पर दोनों कपड़ा, तो कबीले पैरों में बेड़िया गले में तो खत्म कर देता ही दो, लेकिन चंद जुमले और सुन लो बाकी खत्म हो गया। हुसैन करबला में शहीद कर दिए गए, बेटा नशे में बड़ी हुई बाप की लाश को देखता था, देख के कैदी बेटा ये कह के गुजर जाता है, बाबा कैसे दफन करूं, बाबा कैसे दफन करूं, बाबा किसी बेटे के दिल से तो पूछो कि उसके बाप का लाशा अगर जमीन पर पड़ा हो कोई दफन करने वाला ना हो तो उसके दिल पर क्या गुजर जाती होगी। आए सैयद सज्जाद, मेरे ईमान ही ने किया, मैं इलाज तशरीफ लाए और दफन किया, जिसकी भी मदद से दफन किया। आगे बढ़ता हुआ यह फासला एक मकाम पे पहुंचा जहां फासला रोक दिया गया और वहां से दरबार तक कांटे बिछाए जा रहे, रुका है फासला, कांटे बिछाए जा रहे। जब कांटे बिछ गए तो एक दफा बीमारी करबला से कहा,
इन्हीं कांटों पे चल के दरबार तक जाइए। हाय मेरा मौला करबला का दीवार से यदे सजा। जब तबा कांटों पे चलना शुरू किया, जिस पैरों में कांटे चुभते चले गए, किस कदर चुभ गए कि जब मेरा मौला कहीं जमीन पे कदम रखता था तो जमीन खून से तर हो जाती थी, खून से तर हो जाती थी, कांटों पे चलता हुआ गया। कैसे उस भूभी ने बर्दाश्त किया होगा जो सैयद सज्जाद की जंजीरें देख के परेशान, भेड़िया देख के परेशान, मगर कैसे इस मंजर को बर्दाश्त किया होगा। मेरी शहजादी ज़ैनब औलिया मकाम ने आगे बढ़ते हुए एक मकाम बस खत्म किया मैंने। ये वो मंजर है कि जहां नामहरमों के दरमियान से बीवियों को ले जाया। मुझे यकीन है कि अगर दिल में मोहब्बत हुसैन की कसक है तो कोई आंख आंसू नहीं रोक सके। जब काफिला नामहरमों के दरमियान बाजार से गुजर रहा था तो एक बार एक जगह से गुजर रहा था, एक कमीज कूजे में थोड़ा सा पानी लिए हुए आई और उस बच्ची के करीब आई जिसके कानों की लबें फटी हुई, जिसके रुखसारे पर टमाटरों के निशान, जिसके होंठ पकड़ाए हुए प्यास की बिना पर, और आके कहा, बीवी मेरी मालिका ने ये पानी भेजा है, पी लो, बड़ी प्यासी। बच्ची ने इशारा किया शहजादी ज़ैनब के जाने, आके उस कनीज ने कहा, बीवी ये पानी उस बच्ची को दे दीजिए, बड़ी प्यासी। कहा, किसने भेजा? था मेरी मालिका। कहा, जाके कह दो ये बच्ची तब तक पानी नहीं पिएगी जब तक मालिका खुद ना आ जाए। मालिका बाला खाने से जमीन पर आई, घर से निकलना चाहती थी कि याद आ गया कि मुझे यहाँ कहीं से जाना पड़ा। अपनी कहीं से कहा, जरा मेरी चाहना, मैं खुले सर नामहरमों के मजमे में नहीं जाऊंगी। हे वो मेरा जिनसे मिलने जा रही है वो ज़हरा की बेटियां जिनके सरों से रदाएं छीन ली गई। आई खत्म है जी लो करीब आई, बीवी ये बच्ची बड़ी प्यासी है, मैं गोदाए आग लाई हूँ पिला लो, मगर मेरी कुछ दुआएं, भाई एक दुआ सुनो। मैं कहा, इस बच्ची से कहिए, मैंने सुना है अपने इमाम से भी, अपने रसूल से भी, कि कैदियों की दुआ कबूल हो। उस मोमिना के लिए ये लफ्ज कहना आसान था, मगर ज़ैनब के लिए रब्बे कैदी सुनना आसान था। कैसे कहने दे, बस सिर रख लिया होगा ज़ैनब ने, कहा रहा भाई इस बच्ची से कह दो, दुआ कर दे कि मेरे बच्चे इस तरह कैदी न बनाए जिस तरह ये बच्ची। मुझे नहीं मालूम कि बच्ची ने हाथ उठाए या नहीं उठाए, जिसके हाथ पसे गर्दन से बंधे रहे होंगे वो बच्ची हाथ कैसे उठाएगी। दुआ की आखिरी लफ्ज सुनो, ताब ये पानी लो पी लो, मगर ये दुआ कर दो, इस तरह मेरे बच्चे प्यासे
खत्म कर दिया मैंने। झगड़ा कहा भाई, ये कहना था कि गवा जैनबे उलिया मकान ने आवाज दी बीबी के हाँ आओ करीब आई, कब इस बच्ची को पहचानती हो? नहीं मैंने नहीं पहचान, ये कहनी नहीं है, ये कहनी ये सुन रहा था चेहरे की शराफत और चेहरे का नूर देख के आवाज दिए मुझे बताओ आप किस घर आ रही है और तुम नहीं पहचानती शहर में कब आवाज दी उम्मे हबीबा उम्मे हबीबा मैंने तुम्हें पहचान लिया है तुम मेरे भैया की आने वाली हो मैंने तुम्हें पहचान लिया उम्मे हबीबा ये कोई और बच्ची नहीं है हुसैन के सीने पर सोने वाली नन्ही सकीना ए बीवी तो आ गई है अब बेटा ना हमारा घर उजड़ गया सयालम الذين हमारी हिफाजत फरमा हमको सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम फरमा हमें चाहिए कि इत्तेबा और उनकी तकलीफ की तुम्हें तौफीक इनायत फरमा परवरदिगार जो अफराद सीने अहले बैत की मुखालफत में था उनको नीस तो नाबूद फरमा खुदाया हमारे करीब अमल को कबूल फरमा ज़्यादा से ज़्यादा उस अदाए ईमान के मुनाफिक करने की तौफीक अता फरमा जिसमें मजहब अहले बैत कायम किया जाता हो और मजहब अहले बैत की ताकीद की जाती हो खुदाया जिन मरहूमीन से इशारे सवाल के लिए मस्जिद मुनाफिक की गई है उनको जवाब रहमत में जगह फरमा जैसे यार की मफ़रत फरमा हसनात में इजाफा फरमा अखलाक को सब्र जमील हिदायत फरमा हमारे ईमान के ज़हूर में ताज़ीर फरमा आवान वन साथ हज़रत से इज्तिमा से एक एक बार सूरह अलहम और तीन तीन बार सूरह इख़लास की सिराजुद्दीन भरवलाई मरहूम और अहमद जैसा